हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे मास्टर कैडर के जो जूलॉजी का 2016 में जो 60-60 वाला पेपर हुआ था उसका कोड डी जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक एंड द कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग, के जो साइंटिफिक या कमर्शियल मेथड है बीज को पालने का, किस चीज़ के लिए, हनी के लिए या बी वैक्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पालना, उनको हम क्या कहते हैं, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्विकल्चर और पिस्सिकल्चर। तो इसका आना है एपिकल्चर, ठीक है। बी कीपिंग को हम कहते हैं एपिकल्चर, ठीक है। तो बाकी जैसे फिशेज वगैरह होगी उनको पालने को ये पिस्सिकल्चर आगे मतलब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो एपिकल्चर है वो होता है बीज को पालना, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए। फिर है कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, स्पर्म्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनल वेसाइकल के थ्रू, अब पीनस के थ्रू, पीनस में मतलब प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं कि एपिडिडमिस पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो स्पर्म है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस में हम पढ़ते हैं ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जर्म सेल्स होते हैं, है ना। उसके अलावा ये सटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो जर्म सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया वगैरह, वहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इज, कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है, कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन के एस्ट्रोजन होता है। तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। LHFSH जो होते हैं ये ओवुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो 3-4 मंथ्स होते हैं वहाँ उस टाइम पे तो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, प्रेगनेंसी के दौरान, गेस्टेशन के दौरान। फिर है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, जो हार्ट में पेसमेकर होता है, पेसमेकर कहाँ पे होता है, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के ये चार चैम्बर हैं, तो यहाँ पे इस वाले मतलब जो राइट ये ऑरिकल होता है उसके पास प्रेजेंट होता है उस एरिया में। तो पेसमेकर जो होता है बंडल ऑफ हिल्स, ए बी नोड है, ठीक है, एस ए नोड है, या पुरकिंजे फाइबर्स है। तो पुरकिंजे फाइबर्स तो जैसे हार्ट के इस तरह से यहाँ से निकल के, ठीक है, बीच की तरफ जाती है, इधर बंडल ऑफ हिल्स बन जाता है, ठीक है, इस तरह से चैम्बर्स में, यहाँ पे चैम्बर्स के बीच वाले एरिया में यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो पेसमेकर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, एस ए नोड है, सीनियो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं, एस ए नोड या सीनियो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। ये पेसमेकर है, हार्ट की जो हार्ट बीट जो होती है उसका रिदम मेंटेन करने में ये हेल्प करता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्या आती है, स्कल आती है, ठीक है, स्कल जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो उसके अंदर ब्रेन की तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है, तीन लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, पाई मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड जो होती है। तो इनको हम बोलते हैं मेनिंजिस, ठीक है, इनको मेनिंजिस कहा जाता है। तो ऑप्शंस है पेरिकार्डियम, वो तो हार्ट के आसपास होती है, पेरिटोनियम होगी, ठीक है, लंग्स के आसपास होती है, प्लूरा, फिर मेनिंजिस है। तो जो मेनिंजिस होती है ये ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिजल्ट्स फ्रॉम द एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से कौन सी जो डिसीज़ है वो हो सकती है वो बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट है गॉइटर, ठीक है, फिर है निमोनिया, फिर है टाइफाइड और जॉन्डियस। जो निमोनिया, टाइफाइड या जॉन्डियस है ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है ना। तो इसमें ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर कौन सी है, गॉइटर, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है थायरॉयड ग्लैंड गले में, ठीक है, वो थायरोक्सिन या T3 वगैरह जो हार्मोन होते हैं मेनली, जो मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के टाइप हैं, ठीक है, तो उनको अगर उनकी प्रॉपर सिक्रीशन ना हो पाए उसकी वजह से गॉइटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Binomial nomenclature means written the name in the two words which designate. Binomial nomenclature का क्या मतलब है? By means two, nomenclature name रखना. तो दो words में name रखना किसी organism का, ठीक है. तो उसमें दो वो part होते क्या हैं, दो word होते क्या हैं, order और family होता है, family और genus होता है, species और variety है कि genus और species है. तो इसकी option आनी है option D, genus और species, ठीक है. जैसे हम लिखते हैं मैंगी फिरा इंडिका, ठीक है, इंडिका. तो ये क्या है, हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है. तो ये पहले वाला क्या लिखा है, जेनेरिक नेम, जीनस. दूसरा क्या लिखा है, स्पेसिफिक एपिहर्ड, स्पीशीज नेम लिखा है, ठीक है. तो पहले आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज. तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरा वॉज रिटन बाय. सिस्टमा नेचुरा जो बुक थी वो किसने लिखी थी? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, चार्ल्स डार्विन ने, एरिस्टोटल ने, के वालिक ने लिखी थी. तो वैलेस ने लिखी थी उसके, इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, साइंटिस्ट ने. उसके बाद है प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं. प्रोबायोटिक्स जो हैं ये लिविंग कुछ वो होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको फूड सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं. तो उन्होंने वही पूछा कि प्रोबायोटिक्स क्या है. तो प्रोबायोटिक्स कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं, सेफ एंटीबायोटिक्स हैं, न्यू काइंड ऑफ एलर्जेंस हैं, या लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है. तो ये लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ द एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ. कि आज के टाइम में जो एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी है, एनिमल सेल की कल्चरिंग करके देन उसको किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए? इंसुलिन बनाने के लिए उसमें तो भी जेनेटिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ना, जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रीचा कोलाई वगैरह है ना. फिर है, ये नहीं आएगा, इंटरफेरोन है, वैक्सीन्स हैं, या एडिबल प्रोटीन्स हैं. इंसुलिन बनाने में यूज़ नहीं करते, इंटरफेरोन बनाने में नहीं, एडिबल प्रोटीन में भी नहीं. ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है इसको. माइकॉर्जिया रिप्रेजेंट्स, माइकॉर्जिया क्या होता है? माइकॉर्जिया में जो फंजाई होती है, वो हायर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन करती है. और फंजाई जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वाटर वगैरह लेके आती है, ये न्यूट्रिएंट्स लेके आती है दूर से, क्योंकि फंजाई फैली होती है नीचे. और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की रूट्स इनको एक तो स्पेस प्रोवाइड करती है, दूसरा इनको फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं माइकॉर्जिया. तो माइकॉर्जिया रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड लिवरवर्ट्स, पैरासाइटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड एल्गी, पैरासाइटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट्स, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है. तो जो माइकॉर्जिया है तो ये यूजफुल है प्लांट्स के लिए, ठीक है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन कॉज कर रहा है उनके साथ, तो फायदेमंद है, पैरासाइटिक नहीं है, ठीक है. इसीलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कॉज करता है फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ द सेल्स अलाइक इन फॉर्म फंक्शन एंड ओरिजन आर कॉल्ड. कि वो सेल्स जो ग्रुप में हैं, मतलब वो सेल्स जो एक सारे कई सारे इकट्ठे हैं, एक साथ ही बहुत से सेल्स इकट्ठे हैं, एक जैसे ही हैं, फंक्शन भी उनका कॉमन है, ओरिजन भी उनका कॉमन है, ठीक है. तो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, ऑर्गेनली बोलेंगे, कि कोई भी नहीं आनी. तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, टिश्यू बोलेंगे, ठीक है. कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, एक जैसा ही ओरिजन है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू. सो क्लस्टर ऑफ सेल्स सेम फंक्शनिंग वाले वो होते हैं टिश्यू, ऑप्शन बी आनी है. फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली इन द सेल इज, सेल के अंदर जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होती है, जो अपने आप ही फंक्शन कर लेती है, अपने आप ही काम कर लेती है, तो ऐसी ऑर्गेनली कौन सी है? पेरोक्सिज़ोम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, कि गॉल्जी एपर्चर है. तो यहाँ पे ऑप्शंस के बेस पे आएगी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही डीएनए होता है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन भी खुद कर सकता है वो, ठीक है. तो इसमें अपना ही डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से ये खुद ही फंक्शन कर लेता है इंडिपेंडेंट होके, न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होके. तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है. वैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. तो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब 14th क्वेश्चन है कि डैश इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है जो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, वो पॉल्यूटेंट जो डिग्रेड हो सकता है, ब्रेक हो सकता है सिंपल सब्सटेंस में, फिर हार्मफुल नहीं है. कौन सा है, मरकरी, सीवेज है, प्लास्टिक है कि एस्बेस्टोस है. तो मरकरी, प्लास्टिक और एस्बेस्टोस ये तो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, डिग्रेड नहीं हो पाते हैं. सीवेज जो है, सीवेज वगैरह उसमें जो वेस्ट होता है, जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है. मीनामाटा डिसीज इज ड्यू टू, मीनामाटा डिसीज किस चीज़ की वजह से होती है, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या लेड. जो मीनामाटा डिसीज है ये मरकरी की वजह से होती है, ठीक है. जो फिशेज वगैरह डेली बेस पे जो फिश या फिश प्रोडक्ट खाते हैं, तो अभी फिशेज तो सी में रहती हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसमें जो केमिकल होते हैं मेनली मर्क्यूरी वगैरह, तो जब वो अनट्रीटेड ही सी में या रिवर्स में मेनली छोड़ दिया जाता है, तो उनका इफेक्ट फिशेज पे पड़ता है. तो जो फिशेज वगैरह खाते हैं लोग, उनमें मरकरी की वजह से जो फिशेज के अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से मिनामाटा डिसीज हो सकती है. तो ऑप्शन आनी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आर कंट्री, कि कौन सा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है हमारे कंट्री में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है. तो ईस्टर्न घाट ऑन वेस्टर्न बंगाल है, सुंदरबन ऑफ एंड रन ऑफ कच्छ है, एस एस जो ईस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न घाट हैं, या केरला एंड पंजाब हैं. तो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, ठीक है. तो हिमालय और जो वेस्टर्न घाट होता है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया काफ़ी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है. ऑप्शन सी आनी है. फिर है फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहली जो पार्क थी नेशनल पार्क वो कौन सी थी, कान्हा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, के बंदीपुर नेशनल पार्क. तो सबसे पहले 1986 में सबसे पहले जो आई थी पार्क इस्टेब्लिश हुई थी और नेशनल पार्क वो थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तरांचल में है ये. ऑप्शन सी कॉर्बेट, ठीक है. 18th क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑपरेट एट द लेवल ऑफ, कि जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस मतलब एवोल्यूशन वगैरह है वो किस बेस पे आती है, किस लेवल पे होती है, पॉपुलेशन बेस पे, इंडिविजुअल बेस पे एवोल्यूशन आती है, फैमिली बेस पे आती है कि इकोसिस्टम बेस पे आती है. इंडिविजुअल बेस पे तो म्यूटेशन वगैरह आती हैं, तो वो एवोल्यूशन नहीं हो सकती ना, एवोल्यूशन तो बड़े लेवल पे होती है. तो इसकी ऑप्शन आनी है पॉपुलेशन, ऑप्शन ए, ठीक है. पॉपुलेशन बेस पे एवोल्यूशन जो है वो शो होती है, ठीक है. फिर है मैप, MAB स्टैंड फॉर मैप का क्या मतलब है, मैन एंड बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैन एंड बायोस्फीयर या मैन एंड बायोलॉजी. तो मैब का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है. फुल फॉर्म है मैब की मैन एंड बायोस्फीयर. ये प्रोजेक्ट था जो कि हमने जो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में है वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में वहाँ पे प्रोजेक्ट था एक, इंडिया में लेट आया था, पहले ये किसी और कंट्री में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. तो मैप है मैन एंड बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलिट्री द कोसी डायोसिस जो है, दैट इज कॉज्ड बाय, कोसी डायोसिस एक बीमारी है, ठीक है, जो चिकन वगैरह को होती है और ये प्रोटोजोआ के थ्रू डिसीज होती है, ठीक है. तो इससे इंटेस्टाइनल पार्ट जो होता है पॉलिट्री ऑर्गेनिजम्स का, पॉलिट्री बर्ड्स का, वो अफेक्ट होता है, ठीक है. तो पॉलिट्री में कोसीडायोसिस जो है ये किसकी वजह से होती है, वायरस से, फंगस से, हेलमिंथिक पैरासाइट से, कि प्रोटोजोआ से. तो ये होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है पॉलिट्री बर्ड्स की. नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, के जो सारस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सारस, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, के सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक है. तो कहते हैं ये किसकी वजह से होती है, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, और फिर है बोथ ए एंड बी, कि एडिनो वायरस और कोरोना वायरस दोनों की वजह से या किसी की वजह से भी नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस की वजह से जो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये होता है, ठीक है. वैसे तो वायरस जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कोई कोल्ड करते हैं, है ना, तो बट कोल्ड वगैरह कॉमन सिम्टम होता है इसमें, ठीक है. तो मेन कोरोना वायरस जो होता है उसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेकेंड क्वेश्चन, डिजायर्ड वेरिएशन डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ द इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप आर रेज्ड बाय, कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल क्रॉप्स हैं, जो हम यूजफुल क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं डिजायर्ड वेराइटी के, जिसमें डिजायरेबल करेक्टर्स हों, ठीक है, जो हम चूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा मतलब क्या चीज़ यूज़ की जाती है, किस चीज़ के थ्रू? वर्नलाइजेशन, म्यूटेशन, पेस्टिसाइड स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे तो हार्मफुल है ना वैसे भी, म्यूटेशंस तो नहीं है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, फिर फोर्थ ऑप्शन, तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड करेक्ट है, ठीक है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान डिजायरेबल क्वालिटी के जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे डस्ट करवा के, तो हाइब्रिडाइज करवा के इन जीन्स को, तो आगे डिजायरेबल प्लांट्स जो है वो ले सकते हैं, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड बाय, पॉलीप्लॉइडी किसके थ्रू इंड्यूज होती है? पॉलीप्लॉइडी में ये इंड्यूस होती है काइनेटिन, GA1, फिर है कॉल्चिसिन और IAA। तो ये पॉलीप्लॉइडी जो होती है कॉल्चिसिन के थ्रू होती है, ठीक है, कॉल्चिसिन वैसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉल्चिसिन से ये पॉलीप्लॉइडी वो की जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन इसकी ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है वो किसके थ्रू होती है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड, लिशमेनिया डोनोवनी और बेलेंटीडियम कोलाई। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो होती है ट्रिपेनोसोमा से, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा ब्रुकाई, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ट्रिपेनोसोमा से होती है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन अफ्रीका वगैरह में ये ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो इससे स्लीपिंग सिकनेस से सीधा जो नर्वस सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, जिससे पर्सन को चीज़ें याद भूलना शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता बॉडी के साथ, ठीक है, तो प्लेक किसकी वजह से होती है? प्लेक होती है जर्सेनिया पेस्टिस की वजह से, ठीक है, ऑप्शंस कौन सी बताई हैं? जर्सेनिया पेस्टिस है, पैरमाइक्सो वायरस है, और हर्प्स वायरस है, और रिनो वायरस है, तो जो प्लेक होती है जर्सेनिया पेस्टिस से होती है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस अकर इन, कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसमें यह कहते हैं किस टाइम पे होता है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, कि डिप्लोटीन में, तो ये होता है पैकेटीन स्टेज में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो जो मियोसिस वन की स्टेजेस होती है ना, मेटाफेज, टेलोफेज, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, जो ये चारों होते हैं, है ना, इसमें से जो फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज में ये सारे जो है लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन स्टेजेस, डाइकाइनेसिस जो है ये चलती हैं, उनमें से जो पैकेटीन स्टेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोलॉजी, कैरोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, कैरोलॉजी किसकी स्टडी है? ब्लड की, हार्ट की, न्यूक्लियस की, के कार्टिलेज की, तो न्यूक्लियस की स्टडी को कैरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, हम बोलते हैं ना जब न्यूक्लियस ऐसे अलग होता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं ना, तो न्यूक्लियस रिलेटेड है, कैरोलॉजी न्यूक्लियस रिलेटेड है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, किसने बताई थी सेल थ्योरी? श्लीडन श्वान ने, डैगजन और जॉली ने, जैकोबर मोनोड ने, मोनोड ने, देन है डॉक्टर डिबेरी और मैग्ज मैग्ज शुल्टर्स, ठीक है, तो इन्होंने बताई थी, तो किसने बताई थी? जो सेल थ्योरी है वो बताई थी श्लीडन श्वान ने, ठीक है, ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, इन्होंने ही बताया था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल जो है नया आता है, अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता है सेल तो उसी से ही नया सेल बनता है, ठीक है, तो सेल थ्योरी ये बताई थी श्लीडन और श्वान ने। नेक्स्ट है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, मेमोरी ग्लैंड्स क्या मॉडिफाइड क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ से मॉडिफाई होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड है, मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड है ये, नहीं, लैक्रिमल ग्लैंड है, नो, ये आईज नोज वाले पार्ट में होते हैं, नहीं, स्वेट ग्लैंड है या सबेशियस ग्लैंड है, सबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड होते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड जो है ये स्वेट ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन बियॉन्ड द पर्टिकुलर एज इज, एक पर्टिकुलर एज के आगे जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फीमेल में लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, एजिंग, मिनार्की या मेनोपोज। तो मिनार्की तो होता है स्टार्ट होना, जब प्यूबर्टी पीरियड में फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है, उसको मिनार्की कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन तो जब ये मेंसेस चलते हैं, है ना, देन ये मेनोपोज आएगा इसका, ठीक है, मेनोपोज यानी कि ये 45 to 50 की एज के आसपास फीमेल में हॉर्मोन्स के लेवल
अनबैलेंस होने की वजह से जो ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लूज हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज हो जाता है परमानेंटली, तो उसको मीनोपोज बोलते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल इज, कि ह्यूमन की जो स्कल है, ठीक है, जो स्कल पार्ट है ह्यूमन का, तो उसमें स्कल पार्ट में, ठीक है, स्कल पार्ट जो है उसमें कई सारी ऐसे बोन्स जो हैं वो अटैच हैं, ठीक है, उसमें इस तरह से जो है वो जॉइंट हैं, तो ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंजे जॉइंट बोलते हैं, सनोबियल जॉइंट बोलते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट बोलते हैं, कि फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। तो जो स्कल की जो बोन्स हैं उसमें फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ये, तो ऑप्शन ऑप्शन डी आनी है 31st की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस इज प्रोड्यूस्ड इन बर्ड्स, बर्ड्स में वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जैसे जो हमारे जो वॉइस बॉक्स है हमारे प्रेजेंट है ना, वैसे ही उनमें भी वॉइस बॉक्स से वॉइस प्रोड्यूस होती है बर्ड्स में, तो वो कौन सा पार्ट है, साइनिक्स, ब्रोंकस, बकल कैविटी या लंग, तो इसकी ऑप्शन आनी है साइनेक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बर्ड्स में साइनेक्स होता है जहाँ से उनकी वॉइस प्रोडक्शन होती है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमैटिक बोन आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ, न्यूमैटिक बोन किस में प्रेजेंट होती हैं, किस केस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, न्यूमैटिक बोन बहुत हल्की लाइट होती हैं, ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कि एम्फीबियंस में, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, बर्ड्स में न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन बी बर्ड्स आएगा। फिर है बोन्स फॉर्मिंग सेल्स आर, बोन फॉर्मिंग सेल किसको कहा जाता है, वो सेल जिससे बोन बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, मसल फाइबर या एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल तो स्किन या ऑर्गन्स की लेयरिंग करते हैं, ठीक है, मसल्स फाइबर मसल में होते हैं, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं ऑस्टियोब्लास्ट आना है, ठीक है, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बी सी आर न्यूक्लियेटेड इन, आर बी सी न्यूक्लियेटेड फॉर्मिंग किस में होते हैं, मतलब आर बी सी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, हम तो पढ़ते हैं हमारे जो आरबीसी होते हैं जब वो यंग होते हैं, यंग आरबीसी, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे वो मैच्योर होते हैं तो आरबीसी में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है, तो कहते हैं किस में न्यूक्लिएटेड होता है, फिर रैबिट में, मैन में, कि रैट में, तो इन तीनों में नहीं होता, किस में होता है, फ्रोग के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होते हैं। फिर है टेंडन कनेक्ट, टेंडन किसको कनेक्ट करता है, टेंडन जो होते हैं, एक होते हैं टेंडन, एक होते हैं लिगामेंट, ठीक है, जो तो टेंडन होते हैं ये बोन टू मसल ज्वाइन करते हैं, बोन को मसल से ज्वाइन करने वाले को टेंडन बोलते हैं, ठीक है, जो होते हैं लिगामेंट, ठीक है, वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन टू बोन ज्वाइन करने वाला लिगामेंट होता है, बोन टू मसल ज्वाइन करने वाला टेंडन होता है, ठीक है, तो 36 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, बोन टू मसल ज्वाइन जो करता है उसको, बोन को मसल से जोड़ता है वो होता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर बुक लंग्स जो होते हैं वो किन में काम करते हैं, मोलस्कस में, मैमल्स में, अरेक्निड्स में, या अर्थवॉर्म में, तो किस में काम करते हैं ये, जो अरेक्निड्स होते हैं, ठीक है, अरेक्निड्स होते हैं बुक लंग्स के तौर पे काम करता है, तो जो अरेक्निड्स हैं उनमें बुक लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करते हैं, ऑप्शन सी आएगी। फिर ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन वास्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड जो है वो कैविटीज़ में फ्लो करता है, बेजल्स की जगह ब्लड कैविटीज़ में, हीमोसील में किसके अंदर फ्लो करता है, मैन में, नहीं क्लोज्ड सर्कुलेटरी है, फिश भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी है, स्नेक भी क्लोज सर्कुलेटरी है, क्या आएगा, कॉकरोच, कॉकरोच जो है उसमें ओपन वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्लड जो है वो उसमें रेस्पिरेट जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, वाइटिश कलर का ब्लड होता है इनका, और इसमें जो ये हीमोलिम्फ होते हैं, स्पेस होती है, कैविटी होती है, उसमें ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, देखो कैनाल जो होते हैं ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है, जो पोरीफेरा होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, जिनमें पोर्स होती हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें, है ना, तो कैनाल सिस्टम फाउंड इन स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स के एनिलिड्स, ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए स्पॉन्जेस, ठीक है, स्पॉन्जेस में इस तरह से होता है, ठीक है, कैनाल सिस्टम होते हैं, यहाँ से पोर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ से पास करता है, इधर से जो है वो निकल जाता है, ठीक है, ओपनिंग कई सारी होती हैं, ठीक है, जो एग्जिट एक ही पार्ट होता है, तो स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्रोन इज, प्रोन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है,
प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है, एंटीनरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, मेलपिजियन टिब्यूल्स के ट्रैकिया। तो इसकी ऑप्शन आनी है एंटीनरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीनरी ग्लैंड उनमें एंटीना पार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्सक्रीशन में काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, इनमें मेलपिजियन टिब्यूल्स फंक्शन करते हैं, पर जो प्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है, प्रॉन्स वगैरह जो हैं, इनमें ये मेलपिजियन ट्यूब की जगह जो एंटीनरी ग्लैंड है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापा पार्टिकल्स ऑफ द पैरामीशियम प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड, के जो कापा पार्टिकल होते हैं पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम जो ऐसे फूट शेप का होता है, पैर के शेप का होता है, पैरामीशियम कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ना कापा पार्टिकल्स होते हैं, तो कहते हैं वो कापा पार्टिकल्स जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, पैरामीसिन बोलते हैं, पैरामीसिन और हिप्नोटॉक्सिन है और न्यूरोटॉक्सिन है, तो कापा पार्टिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन को हम बोलते हैं पैरामीसिन, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, पैरामीसिन। नेक्स्ट है फेरिटिमा क्या है, हमने जब अर्थवर्म का पढ़ा था तभी हमने किया था कि कई बार अर्थवर्म की जगह सीधा हमें फेरिटिमा बोल देते हैं, तो कॉमन इंडियन वर्म है अर्थवर्म है फेरिटिमा, ठीक है। तो फेरिटिमा जो है कहते हैं वो क्या है, मतलब वेस्ट एक्सक्रीशन के बेस पे वो क्या है, अमीनोटैलिक है, अमोनोटैलिक है, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करता है, यूरियोकोटैलिक है, यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, यूरियोटैलिक है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, कि कोई भी नहीं। तो जो फेरिटिमा है, जो अर्थवर्म होता है, वो यूरियोटैलिक होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके वेस्ट फॉर्म में यूरिया उसकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, तो जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेफिश बिलोंग टू, क्रेफिश जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, पाइसिस से, ठीक है, फिशेज वाली कैटेगरी से, आर्थ्रोपोड से, मोलस्का से, कि एंथोजोआ से। तो जो क्रेफिश होती है, क्रेफिश है, मतलब बताया तो फिश है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाइसिस से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। इंसेक्ट कैटेगरी में आती है क्राइफिश, मतलब उसमें फिश जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट असल में इसके जो ट्रू फिशेज नहीं आती, जो ट्रू फिशेज होती है वो पाइसिस कैटेगरी में आती हैं, तो जो क्राइफिश है उसमें ट्रू फिश वाले करैक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको डाला गया है आर्थ्रोपोड में, पाइसिस में नहीं आती, आर्थ्रोपोड है, ऑप्शन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, मैमल्स विच ले एग इज, तो मैमल्स जो कि एग ले करते हैं वो कौन से हैं, स्केली एंटीटर है, स्पाइनी एंटीटर है, पॉर्क्यूपिन है, या हेजहॉग है, तो कौन से हैं जो एग ले करते हैं। तो मैमल्स में एक तो होते हैं जो स्पाइनी एंटीटर हैं, ठीक है, स्पाइनी एंटीटर हो गए, दूसरे होते हैं जो प्लेटिपस हैं, यही एग ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है ऑप्शंस में, तो स्पाइनी एंटीटर है, इन चारों ऑप्शन में स्पाइनी एंटीटर बनता है, तो ऑप्शन बी आएगी। तो 45th क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट वॉज, सबसे पहला जो ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट था वो कौन था, लिनियस, कैरोलस लिनियस था, हुकर था, अरिस्टोटल था, कि एंगलर था। तो जो ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट थे वो थे कैरोलस लिनियस, ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है, कैरोलस लिनियस। उसके बाद है बेसिक यूनिट ऑफ आई इन द आइज ऑफ इंसेक्ट, के जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में यहाँ पे लिया गया है कॉकरोच को, ठीक है। तो इंसेक्ट बेसिकली जो होते हैं उनके आई में जो बेसिक यूनिट होता है आई का, वो क्या होता है, रेटिना, रेबडोम, उसके बाद है रेबडम के बाद है कॉर्नियल फैसेट, फिर है ओमेंटीडियम। तो हमने पढ़ा है कि जो इंसेक्ट में बेसिक आई यूनिट होता है वो होता है ओमेंटीडियम, ठीक है, कई सारे लेंसेज होते हैं, ठीक है, कंपाउंड आइज होने की वजह से, तो ओमेटीडियम जो है ये बेसिक यूनिट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज इज, कि इंडियन स्पीशीज जो कि पर्ल प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वैसे बाइवॉल्वेट होते हैं ना, ठीक है, तो पिंक टाडा वगैरह जो ये बाइवॉल्वेट में आते हैं, ठीक है, तो बाइवॉल्विया में, तो कहते हैं ये पर्ल, मतलब जो मोती प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इंडियन स्पीशीज कौन सी है, पिंक टाडा वल्गैरिस है, पिंक टाडा इंडिका है, ग्लोवॉर्म है, या ऑस्ट्रिया वल्गैरिस है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, पिंक टाडा वल्गैरिस जो है ये इंडियन स्पीशीज है पर्ल प्रोड्यूस करने वाले पिंक टाडा की, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की।
बाय वॉल्व या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? बैक्टीरिया के लिए, एलगी के लिए, वायरस के लिए, फंजाई के लिए। तो ये वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस जो है ये ट्रू सेल तो होता नहीं है, ठीक है। तो सेल थ्योरी उसी पे एप्लीकेबल होगी जो तो सेल फॉर्म में प्रॉपर होगा, ठीक है, ट्रू सेल की फॉर्म में होगा। तो ये ट्रू सेल की फॉर्म में होता ही नहीं है वायरस, ठीक है। ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, स्ट्रेंस तो वैसे ही बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। तो इस पे सेल थ्योरी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, कि नीचे बताई हुई जो ऑप्शन है उसमें से ऑटोइम्यून डिसीज कौन सी है। ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, ए ये तो जेनेटिक है, ऑटोइम्यून नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, कि सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया भी नहीं आएगा, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इसको ऑटोइम्यून डिसीज़ क्यों कहा है? ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है कि जब बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को फॉरन पार्टिकल समझ के, बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो अपने ही सेल्स को फॉरन पार्टिकल समझ के उन पर अटैक कर दे, तब उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज़। तो डायबिटीज़ 1 मेलाइटस, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, इसमें जो सेल होते हैं, ठीक है, वो अपने ही जो इम्यूनिटी जो होती है वो अपने ही जो सेल होते हैं, पैंक्रियास के जो सेल होते हैं, बीटा सेल्स जो हैं जो इंसुलिन वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो उनको फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको ये डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड, पैथोजन को वीक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन, अटेनुएशन, अम्यूनाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो जो जर्म्स, जैसे वैक्सीनेशन में जो पैथोजन होते हैं उनको वीक किया जाता है, इनएक्टिवेट किया जाता है, फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। तो इस टाइम पे पैथोजन्स को जब वीक किया जाता है ताकि वो अटैक ना कर सकें, तो उसको बोलते हैं अटेनुएशन। तो ऑप्शन आनी है बी, ठीक है, अटेनुएशन। तो अभी हमारे यहाँ तक जो जूलॉजी पार्ट था सारा 60-60 पेपर का 2016 वाले, वो सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉटनी के जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।